Hello students, good morning. Today we will learn subject maths and our today's topic is multiplication revision. आज हम learn करने वाले हैं multiplication. इससे पहले भी हमने multiplication problems solve किए हैं, right? तो आज सिर्फ हम उनका क्या करेंगे, revision करेंगे. Because next period में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 2-digit नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो आज हम सिर्फ ये एक बार रिवाइज करेंगे स्मॉल डिजिट नंबर लेके. ओके, सो फर्स्ट इज 3 मल्टीप्लाई 2 करना है तो आप कैसे करोगे? 2 का टेबल आप 3 तक बोल सकते हो, अदरवाइज 3 का टेबल 2 तक, राइट? तो 2 का टेबल आप बोलना है 3 तक. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. तो इसका आंसर क्या मिला आपको? 6, राइट? जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको टेबल्स बायआउट होना चाहिए. अगर आपके टेबल्स बायआउट है तो आप ये जो क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए आपको मैंने पहले ही टेबल्स बायआउट करने के लिए दिए हैं. और अगर जिसके टेबल्स बायआउट नहीं है, अभी से रिवाइज करना स्टार्ट करो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 5 मल्टीप्लाई 8 करना है. तो आप क्या करोगे? 8 का टेबल 5 तक. 8 5 are 40, ऐसे आपको आना चाहिए. नेक्स्ट है 11 मल्टीप्लाई 4 करना है. तो आप 11 का टेबल 4 तक भी बोल सकते हैं, लाइक 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 33 and 11 4s are 44. अदरवाइज आप कैसे कर सकते हैं? 4 1s are 4, again 4 1s are 4, आंसर सेम आया. आप 11 का टेबल 4 तक बोलोगे तभी भी आंसर सेम आएगा, 4 का टेबल आप 11 तक बोलोगे तभी भी आंसर सेम आएगा. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया? आपको क्या करना है, ऐसे ही बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करना है. अभी है 7 मल्टीप्लाई 16, तो आपको क्या करना है, 16 का टेबल 7 तक बोलना है, फिर आपको आंसर मिलेगा. वैसे ही बाकी के भी सॉल्व करने हैं. ये आप खुद सॉल्व करो, रिवाइज करो और अच्छे से लर्न करना है. उसके बाद नेक्स्ट जो है 2-digit नंबर का मल्टीप्लिकेशन, वो हम लर्न करेंगे नेक्स्ट पीरियड में. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.